बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर। आज हम वीक नंबर 10 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। इससे पहले लास्ट हमने वीक नंबर 8 तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद हमारा मिड टर्म का ब्रेक था और आज हम वीक नंबर 10 से दोबारा से अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है इस वीक का, ये इंटरनेट और ईमेल से रिलेटेड है। इसके बाद हम इंटरनेट के कुछ एडवांटेजेस वगैरह देखेंगे और उसके अलावा साइबर क्राइम्स, इंटरनेट के ऊपर किस तरह से आपने अपने कंप्यूटर्स को महफूज रखना है, कितना सिक्योर रखना है, उसके लिए एंटीवायरसेस और इसी तरीके से आपके पास वायरस डेफिनेशन या उसके अपडेट्स वगैरह किस तरह से अपने कंप्यूटर पे आपने इंस्टॉल करने हैं, इसकी डिटेल देखेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम इनिशियल टॉपिक्स इंटरनेट रिलेटेड ही कवर कर सकेंगे। उससे अगले टॉपिक्स इसी तरह से आपके इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबाउट इंटरनेट एंड ईमेल। तो इसको हम यहां से जैसे इस बुक को फॉलो कर रहे हैं तो यहीं से हम इसके कंटेंट देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास, इंटरनेट एंड ईमेल। बहुत लेंथी चैप्टर है, आपने कंप्लीट नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ अपने सिलेक्टेड टॉपिक्स इसमें से देखने हैं। तो पहला टॉपिक देखते हैं, दैट इज अबाउट इंटरनेट। इंटरनेट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। द कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट मीडिया सच एज फोन लाइन्स, फाइबर ऑप्टिक लाइन, सेटेलाइट एंड वायरलेस कनेक्शन। ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज एन आईपी एड्रेस। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट क्या चीज है? बेसिकली दैट इज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। बहुत सारे कंप्यूटर्स को जब आप कोई भी कम्युनिकेशन मीडिया यूज करते हुए आप उनको कनेक्ट कर देते हैं तो वो आपके पास जो है वो इंटरनेट बन जाता है। जब आप लोकली किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एक ऑफिस के अंदर ये तमाम डिवाइसेस जो है या एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को, मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं तो दैट इज नोन एज नेटवर्क। तो आपके पास एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लेकिन जब आप इसे एक बड़े लेवल पे कोई एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, छोटे छोटे लैन और वैन जब सारे आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। अब इसके अंदर वायर्ड मीडिया भी जो है वो इंक्लूड होता है, यानी कुछ कंप्यूटर तो उसमें केबल्स के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे और कुछ जो है वो सैटेलाइट या बाकी जो वायरलेस हमारे पास कम्युनिकेशन के तरीके हैं उनके जरिए भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब अपने सेल फोन से आप उस पर इंटरनेट ऑन करते हैं, अपना वाईफाई इनेबल करते हैं या डाटा 4G जो है वो यूज करते हैं, मोबाइल डाटा, तो आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। देन यू आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि इट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर्स नेटवर्क। दुनिया में सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो आपके पास, उसको हम इंटरनेट कहते हैं और इसमें आपके पास जो है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड। जितने ज्यादा कंप्यूटर्स, जितने भी जो इंटरनेट सर्विस को यूज कर रहे हैं वो सबके सब बेसिकली इंटरनेट सर्विस नहीं, बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो वेब की सर्विस को यूज कर रहे हैं, वेब ब्राउजिंग को या कोई किसी और पर्पज के लिए किस दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड हैं, वो सब आपके पास इंटरनेट से कनेक्टेड कंप्यूटर कहलाएंगे। इंटरनेट हैज कन्वर्टेड द वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज। पीपल कैन इंटरेक्ट विद, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं वाया ईमेल, चैटिंग कर सकते हैं, उसके अलावा इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं और उसके अलावा आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और जो प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं वो अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो है उनको सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ऑनलाइन बिल्स पे कर सकते हैं और इसे ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं। आपने कोई एयर टिकट बाय करना है उसके लिए आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। अपने सोशल मीडिया की कोई वेबसाइट्स हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर वगैरह है, उनको यूज करना है उसके लिए आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। और इस तरह आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं जिसके जरिए आप इंटरनेट को यूज करके उन ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वर्किंग ऑफ इंटरनेट है। वर्किंग ऑफ इंटरनेट जो है उसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि पहले भी बताया गया है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, दीज कंप्यूटर्स आर लिंक टूगेदर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क।
The network is used by the computers to communicate with one another. A personal computer can be connected to internet using phone lines. वही चीजें आपको repeat करके बताई गई हैं. Working basically क्या है इसमें कि आपके पास तमाम computers या जितने भी smartphones हैं या जितने भी devices हैं, ये सब के सब जो है वो बेसिकली एक सर्विस अवेल करते हैं, जिसके लिए उन्हें सर्विस प्रोवाइडर को कुछ फी पे करनी पड़ती है. और वो सर्विस क्या है, आपके पास वेब की सर्विस है. वो वेब की सर्विस आप जिस किसी से भी लेंगे तो आप उसके सर्वर कंप्यूटर के साथ एज ए क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे. एवरी कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट एक्ट एज इधर क्लाइंट और सर्वर. जब हम अपने कंप्यूटर के जरिए गूगल वगैरह यूज करते हैं तो हमें जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, जो हमें इंटरनेट सर्विस दे रहा है, बेसिकली हम सबसे पहले उसके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद उसके कंप्यूटर को यूज करते हुए हम अक्रॉस द वर्ल्ड दूसरे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन जो है उसको फेच करते हैं. तो सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, इट इज द कंप्यूटर दैट रिसीव्स द रिक्वेस्ट. और क्लाइंट कंप्यूटर क्या है, जो कि डाटा के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट पुट करता है. तो क्लाइंट कंप्यूटर इट रिक्वेस्ट फॉर द सर्विसेज ऑफ ए कंप्यूटर एंड सर्वर कंप्यूटर इट प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू द क्लाइंट कंप्यूटर्स और वर्क स्टेशंस. उसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट टाइप ऑफ दिस पाथवेज फ्रॉम द इंटरनेट फॉर्म्स द इंटरनेट बैकबोन. इंटरनेट बैकबोन इज अ नेटवर्क ऑफ हाई कैपेसिटी राउटर्स एंड फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन लिंक्स दैट प्रोवाइड्स द मेन राउट फॉर डाटा ट्रैफिक अक्रॉस द इंटरनेट. अब ये सब चीजें जो है एक आपके पास एक आप कहने के एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें कि वायर्ड और वायरलेस मीडियम, फाइबर ऑप्टिक्स भी हो सकती हैं, सैटेलाइट भी हो सकती हैं, वो पाथ प्रोवाइड करती हैं. तो इस तरह इस एक आपके पास हाई कैपेसिटी की और हाई स्पीड की इंटरनेट बैकबोन अवेलेबल होती है. बेसिकली वो इंटरनेट बैकबोन क्या है, आप ये इसको इमेजिन इस तरह कर सकते हैं कि जैसे एक डिफरेंट वायरलेस और वायर्ड मीडियम का कॉम्बिनेशन है. यानी कुछ केबल्स हैं जिनके जरिए ये डाटा आप तक पहुंच रहा है, लेकिन कुछ जगह पर ये केबल्स के बगैर वायरलेस डिवाइसेस जिसमें कि राउटर्स वगैरह वायरलेस और डिवाइसेस भी होते हैं, उन वो तमाम भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो इस तरह आपके पास जो इंटरनेट की सर्विस है वो पहुंचती है. अब हम देखते हैं कि इस इंटरनेट के हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट्स हैं. पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इंटरनेट इन सोसाइटी, द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं इसमें. ग्लोबलाइजेशन, जैसे अभी ग्लोबल विलेज की बात हुई है कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स जो हैं वो एट द सेम टाइम या एट डिफरेंट टाइम डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स वो अपने कंप्यूटर्स के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से कम्युनिकेट करना है, आपने ईमेल सेंड करनी है, आपने कोई लेक्चर अटेंड करना है, आपने कोई ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर लेक्चर को जो है वो वॉच करना है, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर को, तो आप क्या करते हैं कि आप इंटरनेट सर्विस को यूज करते हैं, अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं और वो अक्रॉस द वर्ल्ड दुनिया में कहीं पर भी आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आ सकती है. यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी ऑनलाइन क्लास की एग्जाम्पल लें तो आपकी टीचर जो है वो दुनिया में यहाँ पर भी, इसी पाकिस्तान में भी हो सकती हैं और किसी और कंट्री में भी हो सकती हैं. एक डिफरेंट जगह से आप जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, अपना लेक्चर जो है वो रिसीव कर सकते हैं. तो इस तरह ये आपके पास इस ये ग्लोबलाइजेशन की एक तरह से आपके पास एग्जाम्पल बन जाती है कि अक्रॉस द वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में आपने कम्युनिकेट करना है तो आप इंटरनेट के जरिए इंस्टेंटली कर सकते हैं. आप ईमेल सेंड करते हैं वो इमीडिएटली मिल जाती है. आपने एक कंट्री में बैठ के किसी दूसरे कंट्री का न्यूज़पेपर रीड करना है, आप वो कर सकते हैं. एक कंट्री में रहते हुए आपने अक्रॉस द वर्ल्ड किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, कुछ पिक्चर्स वगैरह देखनी है, उनसे रिलेटेड वीडियोज देखनी है, उनसे रिलेटेड आपने कोई इंसाइक्लोपीडियाज आपको चाहिए, कुछ किताबें चाहिए जो फिजिकली आपके पास नहीं है और वो इंटरनेट पर पीडीएफ फॉर्मेट में, सॉफ्ट कॉपीज में अवेलेबल है, तो वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट के जरिए मिल जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. और क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है इंटरनेट का सोसाइटी पे, कि इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ईजिली ट्रेवल करती है.
जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आप न्यूज़पेपर आपने रीड करने हैं, कहीं का भी न्यूज़पेपर आप रीड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि फॉर एग्जांपल जो लोग आउट ऑफ पाकिस्तान हैं, अगर वो यहाँ की लोकल न्यूज़पेपर्स के बारे में रीड करना चाहें, वो जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें उस एरिया की जो डेली न्यूज़ है वो मिलती रहे, तो सिंपल हर एरिया की आजकल फेसबुक पेजेस लोगों ने बनाए हुए हैं, इस तरह लोगों ने वेबसाइट्स बनाई हैं, वो उन रिलेटेड पेजेस पे जाके अपने एरिया से मुतालिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इस तरह भी मतलब ये आपके पास इतना बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको कि हम घंटों डिस्कस कर सकते हैं कि इंटरनेट पे किस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, जिसमें लेक्चर्स भी हो सकते हैं और जनरल नॉलेज है, आपके करंट अफेयर्स हैं, और उसके अलावा आपने शॉपिंग वगैरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस आपने चेक करनी है, किसी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस आपने चेक करनी है, कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाएगी। और इसका क्या ये एडवांटेज क्या, इसको हम कहेंगे कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आपके पास जो इंफॉर्मेशन या जो भी इतलात है उनकी तरसील का सिलसिला जो है वो रबता मुनकता नहीं होता, वो चलता ही रहता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट के जरिए डेफिनेटली इसके जरिए अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें आपके पास जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी है वो ज्यादा बेहतर होती है। आप अपने व्यूज एक्सचेंज कर सकते हैं, चाहे वो लाइव हो या ऑफलाइन हो। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे जाते हैं लोग और अपने अपने वहां पर अपना फीडबैक दे देते हैं, अपनी जो भी किस कुछ एरियाज की लाइक कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं वो भी लोग ट्विटर पे डिफरेंट जो उनके हायर ऑफिशियल्स होते हैं उनके वेब पेजेस पर जाके दे देते हैं, और कुछ प्रॉब्लम जो ऐसे होते हैं सॉल्व होने वाले वो फौरी तौर पे सॉल्व भी हो जाते हैं। इसी तरीके से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर कंट्री, व्हाट वी पीपल आर सपोज्ड टू डू करंटली, जैसे जो हमारे पास पेंडेमिक की सिचुएशन है उसमें हमें जो अवेयरनेस होनी चाहिए उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको कोई मेडिकल के फील्ड से रिलेटेड कोई अंडरस्टैंडिंग चाहिए और एनीथिंग लाइक दैट, आप इंटरनेट के जरिए उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड कि इंटरनेट पे जरूरी नहीं है कि हर इंफॉर्मेशन आपको 100% करेक्ट मिले, तो उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे तो अनवांटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, जिसको हम आम टेक्निकली हम ये भी कह सकते हैं दैट इज नॉट इंफॉर्मेशन, दैट इज एक्चुअली नॉइज। बहुत सी ऐसी चीजें आपको मिलती हैं जो आपके काम की नहीं है, लेकिन वो अवेलेबल है वहां पर, उनमें से आपने मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन खुद एक्सट्रैक्ट करनी है। नेक्स्ट, कम्फर्ट इन लाइफ, डेफिनेटली इसकी हेल्प से बहुत ज्यादा हमारे जो है वो लाइफ में कम्फर्ट आ चुका है, फिजिकली मेंटली। हमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए उठ के आपको अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग की मैंने आपको एग्जांपल दी। उसके अलावा विद इन योर डोमेस्टिक लाइफ आप हमारे पास जो IoT एनेबल्ड डिवाइसेस आ चुके हैं, तो इवन एक घर के अंदर बैठे हुए भी आप इंटरनेट की सर्विस को यूज करते हुए अपने डिफरेंट अप्लायंसेस को स्विच ऑन कर सकते हैं। आपके पास ऑटोमेटिक जो है Wi-Fi इनेबल्ड लाइट्स का जो है कॉन्सेप्ट आ चुका है, Wi-Fi इनेबल्ड आपके पास होम अप्लायंसेस हैं लाइक एयर कंडीशनर है, आपके पास वॉशिंग मशीन्स हैं, आपने अपने रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर सेट करना है, चेंज करना है, ऑल दिस स्टफ यू कैन डू विद बाय यूजिंग द इंटरनेट सर्विस। तो ये आप अपने घर के अंदर से लेकर अक्रॉस द वर्ल्ड आप जहां चाहें इस इंटरनेट को यूज करते हुए आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कम्फर्ट आ चुका है इसकी वजह से। और लास्ट हमारे पास इसमें पॉइंट है नॉलेज, ये बहुत लिमिटेड पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, जस्ट आप कह लें कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज आप इस पे इतनी डिटेल डिस्कशन हो सकती है कि पूरा एक लेक्चर हम सिर्फ इंटरनेट के जो बेनिफिट्स हैं या जो सर्विसेज हैं उन पे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता दिया है कि इसमें आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको या क्या क्या मेन बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सी आपके पास चीजें आ सकती हैं, तो इसमें नॉलेज है आपके पास, जिसमें के नॉलेज के क्या डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, आप अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, इसको अगर आप प्रॉपरली सुनते हैं समझते हैं इससे आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, इसमें अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते यू स्टिल नीड फर्दर डिगिंग इन, क्योंकि हमारे पास बीइंग टीचर्स बीइंग स्टूडेंट्स एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में हमने डिफरेंट अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट करना होता है, जिसमें हमारी सिलेबस कवरेज होती है, हमारे कुछ और उसके अलावा माइलस्टोन्स होते हैं जिनको हमने अकॉर्डिंगली तय करना होता है। तो अगर आपको कहीं पर कोई चीज तश्नगी रह जाती है, आप उसको फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपके पास यूट्यूब पर बहुत से पहले प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स डिफरेंट टॉपिक्स पर अवेलेबल होते हैं, आप उनको अवेल कर सकते हैं।
पीडीएफ की फॉर्मेट में आपके पास फाइल, आपके पास बुक्स पड़ी होती हैं, आप उनको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास और बहुत से तरीके हो सकते हैं जिसके जरिए आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। आप देखें कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में यहाँ थोड़ा सा फर्क है। नॉलेज जो आप अपनी लर्निंग पर्पस के लिए यूज करते हैं टू इम्प्रूव योर सेल्फ, और टू नॉलेज हम क्यों गेन करते हैं, वैसे तो आम कॉन्सेप्ट यही है कि नॉलेज जो है वो हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्तहान को पास करने के लिए हम पढ़ते हैं, बट एक्चुअली नॉलेज हम गेन करते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, टू ट्रांसफॉर्म आवर सेल्फ इन टू अ बेटर पर्सन। नॉलेज के बगैर जो है वो इंसान नामुकम्मल है। किस तरह से आप इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सबसे पहले कि इंसान को फरिश्ते से ज्यादा जो आप कह लें कि तरजीह किस लिए दी गई कि उसके पास नॉलेज था, यानी अगर मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो कुरान पाक में सूरह बकरा में आप देखें तो सबसे पहले क्या चीज उसमें आती है कि जब अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया तो उन्हें कुछ चीजों के नाम सिखाए और फिर फरिश्तों से पूछा कि तुम मुझे इन चीजों के नाम बताओ। मतलब डिटेल में आप जाएं तो आपको फर्दर डिटेल मिलेगी कि फरिश्तों ने मुखालफत की कि अल्लाह ताला ये तो जमीन में जाके खून खराबा करेगा, आप इसे क्यों पैदा कर रहे हैं इंसान को। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम से उन चीजों के नाम पूछे, फरिश्तों से पूछे पहले, तो फरिश्तों से पूछा, उन्होंने कहा अल्लाह ताला आपकी जात पाक है, हमारे पास सिर्फ वही इल्म है जो आपने हमें बताया, तो हमें इनके नाम नहीं आते। तो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से वो नाम पूछे गए तो उन्होंने जब बताया तो फिर फरिश्तों से कहा गया, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें नहीं मैंने कहा था, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते और अब तुम इसे सजदा करो। तो देखें जो सबसे पहली चीज जो है इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाती है, दैट इज नॉलेज। तो जब भी आप स्टडीज करें उसमें जहन में रखें कि जस्ट डोंट गो फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यू कैन से कि आप एग्जाम पास करने के लिए नहीं जाएं, बल्कि आप उसमें नॉलेज गेन करें टू इम्प्रूव योर सेल्फ, टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। तो इस तरह हमें इंटरनेट की हेल्प से बहुत सा नॉलेज जो है वो हम गेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा ये देखिएगा कि इंफॉर्मेशन क्या है। जो अभी मैंने आपसे कहा कि इंटरनेट पर बहुत सी चीजें जैसे पड़ी हैं तो उसमें बहुत सा नॉइज भी है, जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है दैट इज अ ट्रू नॉलेज। आपने उसको स्टडी करना है, रीड करना है, समझना है और उसके बाद आपने खुद से उसमें से जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करनी है। और ये भी आपके अंदर एबिलिटी तभी आएगी जब आप लर्न करेंगे ज्यादा से ज्यादा, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस इंटरनेट के, इम्पॉर्टेंट कुछ हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं। इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं बहुत इजीली, ईमेल कर सकते हैं, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये टेक्स्ट में रीड नहीं कर रही क्योंकि अब आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के दौरान ये तमाम चीजें आप कर चुके हैं, आप ऑनलाइन अपनी अटेंडेंस लगाना जानते हैं, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देना जानते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स भी देते हैं, ईमेल्स करना भी अब आपको पता है। उसके अलावा ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या चीज है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। कॉमर्स मीन्स आप जो भी बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉमर्स। अगर आप इसमें भी इंसानी तारीख में जाएं तो पहले जैसे बार्टर ट्रेड होती थी कि जब करेंसी नहीं होती थी तो चीज के बदले चीज दी जाती थी। फॉर एग्जांपल एक इंसान है उसको जूता बनाने का हुनर आता है और एक किसान है जो कि लेट्स से कि वो गंदम उगा सकता है, तो जो जूता बनाने वाला है उसके पास खाने को अगर नहीं तो वो उससे बार्टर ट्रेड कर लेगा कि वो उसे कहेगा कि मैं तुम्हें कुछ चीज प्रोवाइड कर देता हूँ जो मेरी स्किल है, और जो तुम्हारी स्किल है, जो प्रोडक्ट तुम बना रहे हो वो तुम उसके बदले में मुझे वो दे दो। तो ये देखें कि ये भी इंसान के सर्वाइवल का डे वन से एक जरिया है, इसके बगैर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता इस दुनिया में। अब उसकी लेटेस्ट फॉर्म आपके पास, बाद में जब करेंसी इंट्रोड्यूस हुई तो करेंसी के जरिए हमने चीजें लेना शुरू की, उसके बाद डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम अपने इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करते हुए ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और जो प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं वो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अब वो कुछ कोरियर सर्विसेज की जो है वो लेंगे, हेल्प लेंगे, उनकी सर्विसेज हायर करेंगे, आप अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो उनको वो एग्जिबिट कर देते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज करते हुए। ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं हमारे पास बहुत सारी, जैसे अमेजोन है और इसके अलावा भी आपके पास पाकिस्तान की लोकल भी कुछ वेबसाइट्स हैं, दराज.pk वगैरह का नाम आपने सुना होगा।
इसके अलावा भी काफी सारी वेबसाइट्स हैं, तो आप उन पे जाते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कपड़ों के ब्रांड्स हैं, जूतों के ब्रांड्स हैं, बाकी जो हम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं बाकी चीजें, या हमारे पास बड़े बड़े सुपर स्टोर्स हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट्स और अपनी मोबाइल एप्स डेवलप की हुई हैं। आप वहां पर जाके जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं अपने मोबाइल के डिफरेंट आपके पास जो है उनके अंदर भी सर्विसेज हैं इस तरह ट्रांजेक्शन की, और इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट्स की सर्विसेज हैं। तो वहाँ आप रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके जो भी मोड ऑफ पेमेंट है उसमें पेमेंट करते हैं और अपनी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास क्या एडवांटेज है, आप ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे फेडरल बोर्ड का रिजल्ट जब भी डिक्लेयर होता है तो पहले, अगर इससे बहुत पहले आप 20 ईयर्स बैक चले जाएं, तो तब आपके पास ये सर्विस अवेलेबल नहीं थी। आपको अपने इदारे में जाना पड़ता था जहां से आप स्टडीज कर रहे हैं, या कोई और तरीका, न्यूज़पेपर वगैरह, अगर बहुत उससे भी पहले चले जाएं तो शायद न्यूज़पेपर्स में जो है वो रोल नंबर्स और उनके आगे उनके रिलेटेड पास फेल स्टेटस या मार्क्स वगैरह जो है इस तरह की इंफॉर्मेशन आती थी जब रिजल्ट्स अनाउंस होते थे। लेकिन अब आपके पास, आप चाहे कोई कम्पिटेटिव एग्जाम दें, आप जॉब के लिए कोई एग्जाम देते हैं, आप कहीं पर एडमिशन के लिए कोई एग्जाम देते हैं, या जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस में आप इस पेंडेमिक के दौरान अपने टीचर्स को टेस्ट देते हैं, तो आपका रिजल्ट भी ऑनलाइन डिस्प्ले हो जाता है। इसी तरह से कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गई है। देखिए कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है आपका। वही काम जिसके लिए आज से अगर 15-20 साल पहले आपको बहुत सा टाइम जो है वो, अगर आपने अपने ट्रेवल करना है और आपको टिकट चाहिए किसी एयरलाइन की, तो आपको उस एयरलाइन के ऑफिस जाकर टिकट परचेज करना पड़ती थी। तो देखिए उसमें आपके पास कितना टाइम, एटलीस्ट नियरेस्ट भी आप जाएंगे तो आपको 30-40 मिनट्स लग सकते हैं इस सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करने में। और अगर आपकी ट्रैवलिंग ज्यादा दूर है, कहीं दूर से जाना है, तो शायद आपका पूरा दिन भी लग सकता है एक एयर टिकट परचेज करने में। लेकिन अब फास्ट कम्युनिकेशन आप ऑन द इंटरनेट, इट जस्ट टेक्स नॉट मोर देन 5-10 मिनट्स। आप फ्लाइट्स को सर्च करते हैं, जो फ्लाइट आपको सूट करती है आप उसकी रिजर्वेशन करते हैं, और आप उसकी पेमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं। और अगर आपकी वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं तो आप सिंपल उस ईमेल का प्रिंट ले लेते हैं जिस वक्त वो फ्लाइट है, फ्लाइट से कुछ स्पेसिफिक टाइम पहले आप वहां जाते हैं और उस रेलिवेंट एयरलाइन के काउंटर पे जाके आप पेमेंट कर देते हैं, एंड देन यू कैन इजीली ट्रेवल। तो इस तरह आपके पास कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है, इसमें आपके जो है वो लाइफ में टाइम बहुत इससे सेव होता है। उसके अलावा आप देखें कि और क्या क्या आपके पास इसके एडवांटेजेस हैं। ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं, जैसे आप लोग इसके लिए डिफरेंट फोरम्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, और उसके अलावा कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहां पर हर कोई आके डिफरेंट ग्रुप्स की फॉर्म में, या डिफरेंट फेसबुक पेजेस बने हुए हैं, तो अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक लोग जाते हैं उन रेलिवेंट ग्रुप्स के अंदर, उसके मेंबर्स बन जाते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह से जॉब सर्च के लिए भी अब आपके पास तकरीबन पाकिस्तान में भी जितनी भी जॉब्स अनाउंसमेंट होती हैं, चाहे वो प्राइवेट होती हैं या पब्लिक सेक्टर की होती हैं, ज्यादातर उनकी अनाउंसमेंट्स ऑनलाइन होती हैं, और आप वहां पर अपने जिनने जॉब के लिए अप्लाई करना होता है वो अप्लाई करते हैं, और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन उनको इवेल्युएट कर लेती है, या उन्हें कोई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल के मुताबिक फिर उनको इवेल्युएट करती हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज लेवल पर आप कोई इंटर्नशिप अप्लाई करते हैं तो इवन यू डोंट नीड टू गो टू द यूनिवर्सिटी टू टेक द टेस्ट फिजिकली, वो आपको डिफरेंट इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सजेस्ट कर देते हैं, या डिफरेंट इस तरह की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहां पर जाके आप कुछ अपने टास्क रिलेटेड परफॉर्म करते हैं, तो वो आपके वो की वहां पर एक प्रोग्रेस बन जाती है, आपका एक प्रोफाइल डिवेलप हो जाता है कि ये स्किल्स इनको, इस पर्सन को आती है, तो वहां से ही जो आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो आपकी परफॉर्मेंस देखकर आपको हायर कर सकता है, उस जॉब के लिए चूज कर सकता है। इसी तरह से एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है इंटरनेट, जिसमें कि आपके पास बिल्कुल छोटी उम्र के स्टूडेंट, बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोगों तक हर तरह की, हर लेवल की आपके पास एंटरटेनमेंट अवेलेबल होती है, जिसमें ऑनलाइन गेम्स होती हैं, म्यूजिक वगैरह है। और इसी तरीके से अगर आप डिफरेंट जो है वो अपनी रिलीजियस लेना चाहते हैं नॉलेज, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट में आपके पास जो है, जरूरी नहीं है कि एंटरटेनमेंट को आप यही सोचें कि इसमें रिलीजियस कंटेंट नहीं हो सकते,
वो भी हो सकते हैं, बहुत सी ऐसी एजुकेशनल भी आपके पास कंटेंट एंटरटेनमेंट के मद में भी मौजूद हैं कि जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपकी लर्निंग भी होती है। उसके साथ आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन, इससे तो अब तकरीबन आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसमें इंटरनेट का कितना ज्यादा रोल है। अगर आपके पास इंटरनेट सर्विस नहीं है तो आप अपनी ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन कहलाता है। उसके बाद रिसर्च, रिसर्च वर्क क्या है? एक कॉमन वर्ड जिसमें अमूमन हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं वो सर्च और रिसर्च। सर्च का मतलब होता है किसी चीज को तलाश करना, कोई चीज आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने कोई तस्वीर तलाश करनी है, आप गूगल पे जाएं उस इमेज से रिलेटेड आपको फूलों की तस्वीरें चाहिए तो आप फ्लावर्स लिख के फ्लावर इमेजेस लिखते हैं, आपको बहुत सी तस्वीरें मिल जाएंगी। इसी तरह से आपने किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, आपको उन्हें देखना है अपने कायदे आजम पे ऐसे लिखना है तो आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, गूगल पे जाके लिखिए, एंटर करें, आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दैट इज ऑल अबाउट सर्च। लेकिन रिसर्च, रिसर्च को उर्दू में तहकीक कहते हैं। रिसर्च इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सर्च। इसमें आपके पास डिफरेंट फील्ड में, जैसे अगर आप करंटली एग्जांपल ले लें कि इस पैंडेमिक में जो वायरस की वैक्सीन है उसके ऊपर, उसको के ऊपर तहकीक हो रही है कि वो कौन से तरीके हैं, वो कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि इस वायरस के लिए इफेक्टिव हो सकती हैं। इसी तरह रिसर्च के लिए और क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, आप किसी स्पेसिफिक मसले को हल करने के लिए, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करने के लिए जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। वो आपकी लाइफ के किसी भी सेक्टर से हो सकता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि हम अपने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो बनाना चाहते हैं कि जिसमें ऑटोमेटिकली लाइक उसमें सेंसर्स लगे हों और वो आपको जिस जब आप चाहें जिस तरह चाहें उस लिहाज से वो आपके रूम के टेम्परेचर को सेट कर दे कि इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल तो वो अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक आपको पता है रूम टेम्परेचर भी इंसान के हेल्थ पे, उसकी स्लीप पे, उसके डिफरेंट चीजों पे बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो इस तरह का कोई चीज हो सकती है, कोई प्रोडक्ट हो सकती है। तो अब वो जो एक प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, उसकी को बनने पे पीछे एक तहकीक पूरी इन्वॉल्व है जिसमें कि इंसान के बारे में नॉलेज भी कलेक्ट किया गया है कि ह्यूमन बींग जो है किन टेम्परेचर्स पे बेटर फील करता है, किन टेम्परेचर्स पे वो उसका जो है पॉजिटिव उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, कौन से टेम्परेचर्स और आउटसाइड वेदर से उनका क्या ताल्लुक है, कौन से टेम्परेचर्स उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। तो ये तमाम तहकीक भी होगी, प्लस उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की डिवेलपमेंट की, उसने उसको कैसे सेंस करना है और उसने किस तरह उस टेम्परेचर को मॉडरेट करना है। जैसे आपने कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जो हमारे पास गाड़ियां होती हैं, कुछ जैपनीज गाड़ियां बहुत कॉमन है आजकल, तो बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जिनके अंदर ये टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है कि बाहर अगर धूप है तो अंदर जो है वो जो भी आपका टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा ताकि गर्मी ना लगे, अगर बाहर सर्दी है तो इनसाइड द कार जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाएगा ताकि आपको सर्दी ना महसूस हो। तो ये सब चीजें इस तरह की और बेतहाशा हमारे पास चीजें हैं जिनकी एक लंबी लिस्ट है जो रिसर्च के जरिए कर सकते हैं। और यहाँ पर भी ये मेंशन करना बहुत जरूरी होगा कि रिसर्च का भी बीइंग मुस्लिम हमें ये कॉन्सेप्ट इस्लाम से मिला है। जैसे कुरान पाक में जगह जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कायनात तुम्हारे लिए इसलिए पैदा की गई है कि तुम इसको मुसख़र करो। कायनात को मुसख़र कैसे किया जाएगा, आप उसके बारे में जानेंगे, आप उसके बारे में तहकीक करेंगे और फिर आप उसके बारे में उस कायनात को तभी मुसख़र कर सकते हैं, तभी आप उसको डिफरेंट चीजें जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं उनसे फायदा हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास इंटरनेट के क्या एडवांटेजेस हैं, इनको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। अगर एक एक चीज पे हम बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन करेंगे तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, तो हमारा जो 3 आवर्स का 3 क्रेडिट आवर्स का पूरे वीक का सिलेबस है वो 3 आवर्स में कवर नहीं हो सकेगा। तो एडवर्टीजमेंट्स क्या है, ऑनलाइन आपको एडवर्टीजमेंट्स मिलती हैं। एडवर्टीजमेंट का क्या बेनिफिट होता है, कस्टमर को बेनिफिट होता है कि उसे नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और जो सेलर होता है उसको ये बेनिफिट होता है कि उसकी प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन जाती है कि उसकी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है
और वो प्रोडक्ट उसकी सेल होती है, जिसके नतीजे में डेफिनेटली उसको प्रॉफिट मिलता है, जो उसका सोल पर्पस है कि उसने अपने बिजनेस को बूस्ट करना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दुनिया में डिफरेंट इलाकों में दूर दराज जगहों पर बैठ के एक दूसरे के साथ आप गुफ्तगू कर सकते हैं, जैसे हम लोग भी अक्सर अपनी क्लासेस के अंदर कर रहे होते हैं। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होती है, बट दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कि आप लोग भी बात कर रहे होते हैं, मैं भी बात कर रही होती हूँ और हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह से जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो भी इंटरनेट सर्विस को यूज करती हैं। बहुत सी, मतलब आप जैसे देखें हमारा जो बेसिक आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम है गवर्नमेंट का, नादरा का, वो भी कंप्यूटर्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। हमारा तमाम डाटा कंप्यूटर्स के अंदर ही स्टोर है और वहीं से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जब तक ये डाटा कंप्यूटराइज नहीं था तो आप जिस एरिया से बिलोंग करते थे आपको वहां जाके अपना जो है वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो कौमी शिनाख्ती कार्ड जो है वो वहां से जाके बनवाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा कंपल्सरी नहीं है। आप किसी दूसरी जगह पर भी अगर हैं तो नादरा के ऑफिस जाके अगर आपको कोई इस तरह की सर्विसेज चाहिए तो वो आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी गवर्नमेंट के और बहुत से सेक्टर्स हैं जहां पर इंटरनेट यूज हो रहा है, न्यूज के लिए यूज होता है, न्यूज़पेपर्स भी अवेलेबल है, न्यूज जो आपके पास टीवी चैनल्स हैं हर टीवी चैनल की वेबसाइट भी मौजूद है, वहां पर भी जाके आप किसी भी टाइम पे उनका कोई भी न्यूज बुलेटिन वगैरह भी सुन सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया पब्लिशर, एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है कि किसी भी एक खास आप कह लें कि टॉपिक के बारे में या किसी भी इल्म के एक खास हिस्से में मुहित एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड की जाती है तो उसे इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। तो जो किताबी शक्ल में इंसाइक्लोपीडिया है वो आपको लाइब्रेरी में जाके देखना जरूर चाहिए। बहुत कम ही स्टूडेंट्स हैं जो आज के दौर में लाइब्रेरीज में जाते हैं, लेकिन आपको जाना चाहिए और जो हमारे पास फिजिकली किताबें अवेलेबल हैं उनको भी स्टडी करना चाहिए, उनको भी रीड करें। बुक रीडिंग इज अ ग्रेट स्किल और इसकी हेल्प से जो है वो आप बहुत ज्यादा इससे लर्निंग होती है, लेकिन इसके साथ साथ अब आजकल इलेक्ट्रॉनिकली भी हमें ये कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें कि आपके पास विकिपीडिया आपने नाम सुना होगा कॉमन है, दैट इज सॉर्ट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। किसी भी जो वेल नोन पर्सनैलिटीज हैं या वेल नोन टॉपिक्स हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल हैं चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको वहां पर अवेलेबल होती है। दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। सर्च इंजन वो तमाम वेबसाइट्स जिनके जरिए आप जाके डिफरेंट इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, तो उसमें आपके पास गूगल सरफहरिस्त है। इसके अलावा भी और बहुत से सर्च इंजन हैं जहां पर आप जाके इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। फिर मेडिकल की इंफॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है, मेडिकल की इंफॉर्मेशन किस तरह, तो ऑनलाइन डॉक्टर्स भी अमूमन अवेलेबल होते हैं और बल्कि हमारे जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं उनमें से भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं इस पेंडेमिक की सिचुएशन में, जैसे आपके पास जो है शिफा हॉस्पिटल है, इस तरह के जो हॉस्पिटल्स हैं वो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं ताकि फिजिकली आपको मूव ना करना पड़े और आप अपने आप को महफूज रखते हुए मेडिकल की फैसिलिटी ले सकें। उसके बाद डिसएडवांटेजेस हैं, तो इस लेक्चर की ड्यूरेशन काफी ज्यादा हो चुकी है तो इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ और इसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।